एवरीवन, तो ग्लिन का ये मिनी चॉपर लिया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैं आज फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। तो ये एक मोटर है और ये ब्लैक दिया है, ये एक वायर वाला है। तो चलिए कोई मेहनत करके बिना हम लोग ये चॉप करते हैं। तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, कैप्सिकम, अनियन, ये सब मैंने गाजर, ये सब छोटा छोटा पीस करके काट लिया है ताकि आसानी हो चॉप करने में। तो ये पत्ता गोभी ज़्यादा छोटा हो गया था, इससे बड़ा देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से पहले ये बैठा कर ऊपर से मोटर जो है वो थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करने से ये काम करता है। और देखिए कि इतना मिनी तरीके से ये चॉप हुआ है, मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोगों के साथ मैं रिकमेंड करूँगी तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये कोई मेहनत बिना ही इतना सुंदर चॉप करता है ना कि क्या बताऊँ। तो मतलब करके इधर चॉप कर रही हूँ, पहले पत्ता गोभी, फूल गोभी हो गया, अभी अनियन, इसके बाद इधर है कैरेट। तो आप लोगों को मैंने बताया नहीं कि हम अभी बना रहे हैं वेज मंचूरियन, इसके साथ सोया सॉस, चिली सॉस, उसके बाद किसान सॉस जो होता है, टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस, एक अंडा, अंडा के बाद ये सब मैं एक साथ दूंगी और थोड़ा सा सोया सॉस। इसमें सब ये सब सॉस थोड़ा थोड़ा तक करके देने से ना अच्छा होता है खाने में। और अंडा दे दिया, काली मिर्च, ये सब देकर, और कॉर्नफ्लोर मस्ट है, कॉर्नफ्लोर देना पड़ेगा, नहीं तो अच्छे तरीके से गोल गोल नहीं होगा। और उसके बाद ना कॉर्नफ्लोर जो है वो कम हो गया था, क्योंकि पत्ता गोभी से ना बहुत सारा पानी निकल रहा था। तो उसके बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा दिया है बेसन, तो अच्छी तरीके से गोल गोल हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। देखिए कितना सुंदर बना है। और इसके बाद ना अनियन तेल में थोड़ा सा क्या किया था, अदरक लहसुन और अनियन, कैप्सिकम, ये सब दे के अच्छी तरीके से भून के, और सॉस मैंने तैयार करके रखा था पानी में, सब सॉस देके एक घोल बना लिया था। और ये जब अच्छी तरीके से फ्राई हो गया ना, उसके बाद ये जो है सॉस वो डाल दिया, और इसके बाद कॉर्नफ्लोर भी, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में देके, तो अच्छी तरीके से ना ग्रेवी बनता है। तो लीजिए, बन के तैयार है वेज मंचूरियन। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।